दोस्तों आप सभी बिहार में नई वैकेंसी 2024 की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। बिहार में दोस्तों ट्रैफिक पुलिस बल में 10,332 पदों की स्वीकृति दी गई है। आप देखिएगा ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। इसमें देखिएगा तो सबसे मेन है दरोगा सब इंस्पेक्टर पोस्ट, ये भी दोस्तों अच्छा खासा है। इसके बाद हो गया कांस्टेबल और भी बहुत सारे अलग अलग तरह का पोस्ट है। तो चलिए आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। और सबसे मेन यह है कि अगर ये दरोगा सब इंस्पेक्टर पोस्ट वाले के लिए कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या कुछ होगा, सीटों की संख्या कितना, क्या सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को फुल डिटेल्स जानकारी देने वाले हैं। और सबसे यह है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या कुछ होगा, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, हर एक चीज़ के बारे में चलिए आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। अब देखिए ये जो है दोस्तों 10,332 पोस्ट, आप सभी ये जानना चाह रहे होंगे कि इसमें दरोगा सब इंस्पेक्टर का कितना क्या होगा, कब तक वैकेंसी आएगी, हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को फुल अपडेट इस वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी ये बैनर देखिए, ये देखिएगा बैनर तो सीएम नीतीश कुमार जी की पार्टी की ओर से ये देखिएगा तो बनाया गया है। इसमें देखिएगा पोस्ट के बारे में, आगे आप लोगों को नोटिस भी दिखाने वाले हैं दो, फिर आपको हर एक चीज़ के बारे में क्लियर हो जाएगा। तो पहले यहाँ से आप सभी चलिए देखिए, देखिएगा तो लगातार सरकारी नौकरी राज्य है बिहार, और बिहार में यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 10,332 पदों की स्वीकृति, सिपाही से लेकर डीएसपी तक के पद शामिल। तो देखिए इसमें पोस्ट जो है सबसे मेन देखिए कांस्टेबल का पोस्ट है। तो बहाली जो दी जाती है दो ही तरह का पोस्ट, दो इसमें देखिएगा तीन तरह के पोस्ट है, जिसमें पहला तो एक कांस्टेबल लेवल का हो गया जो कि सबसे नीचे है। इसके बाद होता है हेड कांस्टेबल, इसके बाद एएस है, हेड कांस्टेबल एएस है, दोनों प्रमोशन से ही फिलअप किया जाता है। दूसरा बहाली वाला पोस्ट दिखेगा तो ऐसा है दरोगा, जो कि आप सभी इंतजार कर रहे हैं दरोगा वैकेंसी की। और आप में से किसका किसका सपना है दोस्तों ये डबल स्टार का, फटाफट कमेंट करके बताइए कौन कौन इस बार दरोगा की तैयारी में फुल मिशन मोड में लगे हुए हैं, और इस बार कौन कौन चाहते हैं दरोगा बनना, कौन कौन निकालना चाहते हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। इसके बाद देखिएगा ऐसा ऐसे प्रमोशन होता है इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के बाद डीएसपी। तो डीएसपी वाले पोस्ट देखिएगा तो ये भी बीपीएससी के माध्यम से बहाली दी जाती है। तो इसमें देखिएगा हर लेवल का पोस्ट है, और इसमें से 28 जिलों में यातायात थानों के लिए 4215 और पेट्रोलिंग के लिए देखिएगा तो 1560 यातायात पुलिस बहाल होंगे। तो ये तो हो गया। अब चलिए इसमें जो भी बहाल होंगे इसका क्या कुछ कंडीशन होगा, कैसे क्या, हर एक चीज़ के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। और दोस्तों आप सभी ये बताइए कि अभी जो नई वैकेंसी बीपीएससी आयोग के माध्यम से आ रही है, तो आप में से कौन कौन अच्छे से तैयारी में लग चुके हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। क्योंकि देखिए अभी जो बीपीएससी आयोग के माध्यम से नई बहाली आ रही है, तो अगले महीने लास्ट तक वैकेंसी आ जाएगी। आने के बाद देखिएगा ज़्यादा समय आपको मिलने वाला है नहीं, आपको सबसे पहले अभी पीटी एग्ज़ाम पास करना है। तो देखिए अगर आप मेरिट तक पहुँचना चाहते हैं तो पीटी की तो तैयारी आपको करना ही है, साथ में मेन्स के लिए देखिएगा मैथ रीजनिंग है, तो मैथ रीजनिंग मेन्स में आपको 25 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का रहेगा और आपके रिजल्ट के लिए बड़ा निर्णायक रहेगा। तो हम आप लोगों को एप्लीकेशन पर तैयारी उसी अनुसार करवा रहे हैं जिससे आपका पीटी में रिजल्ट तो हो ही जाए, साथ में मेंस में भी अच्छा स्कोर हो जाए। तो आप सभी जाइए फटाफट एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके जम के तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जब वैकेंसी आएगी तो वैकेंसी आने के बाद आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा तो मात्र आपको 1.5 महीने का समय मिलेगा। तो इस 1.5 महीने के समय में आप करेंट अफेयर्स पढ़िएगा या फिर जीके सेक्शन पढ़िएगा। तो बेहतर है कि आप ही आप सभी फुल तैयारी कीजिए और आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके जम के तैयारी में लग जाइए। चलिए ये जो है ट्रैफिक पुलिस से संबंधित है, इसका क्या कुछ है हर एक चीज़ के बारे में चलिए यहाँ से देखिए। ये देखिएगा तो आज ही के डेट का हिंदुस्तान का न्यूज़ है, यहाँ पर आप सभी देखिएगा तो यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए 10,332 पद स्वीकृत। तो यानी ये देखिएगा सीट तो स्वीकृत है। अब आप सोच रहे होंगे क्या ये इतने पदों पर एक ही साथ बहाली आएगी या फिर कैसे क्या होगा। तो देखिए जो भी इसमें 10,332 है फुल पोस्ट पर बहाली नहीं आएगी, तो कैसे क्या होगा हर एक चीज़ के बारे में आपको बताने वाले हैं। अब यह है कि इसमें से दरोगा सब इंस्पेक्टर का पोस्ट कितना क्या होगा और इसके लिए क्या कुछ क्वालिफिकेशन रखा जाएगा, फॉर्म के लिए योग्यता, हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए दरोगा की जो भी वैकेंसी आती है, दरोगा बनने के लिए आपका मिनिमम एज जो होना चाहिए 20 साल, अगर आपका 20 साल कंप्लीट है तो आप दरोगा का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन इसमें पुलिस की तरह नहीं है 25 का कंडीशन, इसमें मैक्सिमम एज बहुत अधिक दिया हुआ है 37 साल। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 37 साल, जनरल कैटेगरी में महिलाओं के लिए है 40 साल, ईडब्ल्यूएस के लिए भी यही कंडीशन लागू होगा जनरल वाला है। इसके बाद अगर आप BC EBC यानी पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं, पुरुष महिला दोनों के लिए है 40 साल। SC ST कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए है 42 साल अधिकतम उम्र का कंडीशन, ये हो गया। दूसरा चीज़ इसमें देखिएगा फॉर्म भरने के लिए क्वालिफिकेशन जो रखा जाता है ग्रेजुएशन, आप किसी भी विषय से ग्रेजुएट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं है। यह है कि आपका ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाना चाहिए, तो दो ही कंडीशन है। तीसरा इसमें देखिएगा हाइट का मांगा जाता है, हाइट भी ज़्यादा नहीं है, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए हाइट का जो कंडीशन 165 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए जो हाइट का कंडीशन है 155 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हाइट का कंडीशन। तो हाइट यहाँ से आप सभी देख लिया और क्वालिफिकेशन क्लियर हो ही गया। अब चलिए यहाँ से आप सभी इस डिटेल्स न्यूज़ को देखिए। तो यहाँ पर देखिएगा, बिहार में यातायात व्यवस्था को पूरी तरह से दुरुस्त करने के लिए 10,332 पद की स्वीकृति दी गई है और इसमें सिपाही से लेकर डीएसपी तक के पद शामिल है। वर्तमान में ट्रैफिक के लिए पटना समेत 12 जिलों में स्वीकृत पदों की संख्या करीब 4,500 है। तो देखिए यहाँ पर यह है कि बिहार के जितने भी जिला है, जिस तरह से पटना में आप सभी ये देखिएगा ट्रैफिक पुलिस का यहाँ पर आपको इमेज दिख रहा है, यही है कि सरकार की टारगेट है कि हर जिला में इसी तरह की व्यवस्था हो और लोगों के लिए भी बेहतर होगा, जाम ये सब चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। इसके बाद आगे आप सभी देखिएगा तो यातायात व्यवस्था की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए अभी देखिएगा तो 2.5 गुना पदों की वृद्धि की गई है और यह जानकारी एडीजी यातायात सुधांशु कुमार ने पुलिस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी है। तो देखिए यहाँ पर यह है कि 10,332 पोस्ट है। तो इसमें से देखिएगा दोस्तों बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जो कि कांस्टेबल से रिलेटेड पोस्ट है। अभी कांस्टेबल में देखिएगा तो 21,391 पोस्ट की बहाली चल रही है और एग्ज़ाम तो आज कंप्लीट हो ही गया। इसके बाद देखिएगा कुछ दिनों में रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद, फाइनल रिजल्ट आने के बाद इसमें से बहुत सारों का सिलेक्शन ट्रैफिक पुलिस में भी करवाया जाएगा। यानी कांस्टेबल से रिलेटेड देखिएगा तो बहुत सारे पोस्ट तो इसमें फिलअप हो जाएंगे। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर है, उन्होंने कहा कि बढ़ोतरी किए गए पदों के अनुरूप बल जल्द ही मिल जाएंगे। वर्तमान में 21,000 पदों पर सिपाही की बहाली की परीक्षा चल रही है और परीक्षा का परिणाम आने के बाद जो भी अतिरिक्त बल है इसकी आवश्यकता अनुसार यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर पोस्ट फिलअप हो जाएगा। अब देखिए 21,391 पोस्ट की जो बहाली चल रही है, इसमें से कांस्टेबल से रिलेटेड तो पोस्ट फिलअप हो जाएगा। फिर भी देखिएगा तो ये नहीं कि सभी पूरा ही हो जाएगा, क्योंकि 10,000 सीट है और 21,391 में अलग अलग तरह का जिला पुलिस बल भी है, बहुत सारे डायल 112 का भी पोस्ट है। तो यहाँ पर डायल 112 और ट्रैफिक पुलिस दोनों अलग अलग चीज़ है, ये नहीं है कि इसमें दोनों को ड्यूटी सेम कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो देखिए 21,391 में मैक्सिमम जो पोस्ट है डायल 112 संबंधित है। फिर इसके बाद इसमें से बहुत सारों का ट्रैफिक पुलिस में भी लिया जाएगा। फिर भी देखिएगा तो सीट खाली ही रहेगा, ये नहीं कि पूरा का पूरा फिलअप हो जाएगा। जो खाली सीट रहेगा इस पदों पर वैकेंसी दी जाएगी। अब बात करते हैं दरोगा से रिलेटेड। देखिए दरोगा में ऐसा नहीं है, दरोगा से रिलेटेड इसमें जो भी पोस्ट होगा 10,332 है। तो कम से कम 10 पुलिसकर्मी पर एक दरोगा तो चाहिए ही, वैसे 4 से 5 पर ही रखा जाता है। तो अगर ट्रैफिक पुलिस में बहुत ज़्यादा दरोगा को नहीं भी रखा जाएगा तब भी देखिएगा 1,000 से लेकर के 1,500 सीट इसमें से दरोगा का भी होगा। तो जो भी दरोगा से रिलेटेड पोस्ट है आप लोगों की बीपीएससी आयोग के माध्यम से बहाली देखने को मिलेगी और इस बार जो बहाली आ रही है तो इसमें हो सकता है कि ये सीट ट्रैफिक पुलिस से रिलेटेड भी बढ़ा करके और अधिक पदों पर वैकेंसी दी जाए। और अगर नहीं भी दी जाती है तब भी लगभग 2,200 से लेकर के 2,300 पदों पर दरोगा की नई वैकेंसी बीपीएससी आयोग के माध्यम से आ रही है। अगले महीने लास्ट तक वैकेंसी आ जाएगी, तो इसलिए आप सभी सीरियस होकर तैयारी में लग जाइए। बाकी यहाँ पर देखिएगा जो भी सीट क्रिएट किया गया है तो आपके लिए और बेहतर है, जितना सीट क्रिएट होगा उतने अधिक पदों पर आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा पुलिस मुख्यालय की ओर से प्रेस विज्ञप्ति इसी चीज़ों के बारे में कल बताया गया। तो यहाँ पर देखिएगा राज्य के यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु 10,332 पदों की स्वीकृति दी गई है। तो इसमें देखिएगा तो अलग अलग तरह के सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ से आप सभी फुल डिटेल्स में देख सकते हैं। तो देखिए सिपाही भर्ती परीक्षा के माध्यम से यह है कि सिपाही यानी कांस्टेबल से रिलेटेड पोस्ट फिलअप होगा। दरोगा से रिलेटेड यह है कि बीपीएससी आयोग के माध्यम से बहाली दी जाएगी, नहीं तो जो बहाली प्रक्रिया चल रही है उसी में इससे रिलेटेड जो भी सीट है उसको शामिल करके अच्छे पदों पर वैकेंसी दी जाएगी और वैकेंसी कंप्लीट होने के बाद फिर उसमें से ट्रैफिक दरोगा का भी पोस्ट शामिल कर दिया जाएगा। तो चलिए आप लोगों के लिए दोस्तों गुड न्यूज़ यहाँ से यह है कि 10,332 पद दिखेगा तो स्वीकृत किया गया है। तो ये है कि आपको दरोगा इन सभी पोस्ट की वैकेंसी और भी अच्छे खासे पदों पर देखने को मिलेगा। यहाँ से आप सभी ट्रैफिक पुलिस को लेकर न्यूज़ आप सभी देख लिए। अब देखिए 10,332 सीट जो है तो आप देखिएगा तो 10,332 में से लगभग कम से कम 1,100 से लेकर के 1,500 इसमें दरोगा का भी पोस्ट होगा। तो दरोगा से रिलेटेड पोस्ट में नई बहाली जो आएगी उसमें सीट शामिल करके दिया जाएगा, नहीं तो जो वैकेंसी होगी उसी से इसमें फिलअप किया जाएगा। तो दो ही ऑप्शन है जो भी सीट यहाँ पर खाली है उसको फिलअप करने के लिए। अब देखिए दोस्तों बिहार में जिस तरह से टीआरई एग्जाम में देखिएगा सीट लाखों पदों पर वैकेंसी दी जाती है रेगुलर रूप से। तो आप में से कौन कौन चाहते हैं कि दरोगा की भी वैकेंसी अच्छे खासे पदों पर आए, क्योंकि देखिएगा 75,000 सीट पिछले साल क्रिएट किया गया था नया, उसमें भी देखिएगा डायल 112 संबंधित अच्छा खासा सीट खाली है। ट्रैफिक पुलिस में भी नया सीट क्रिएट हुआ है। तो जब इतना सीट खाली है तो कम से कम दरोगा की वैकेंसी 3,000 पदों पर आए। तो कौन कौन चाहते हैं कि दरोगा की वैकेंसी 3,000 पदों पर देना चाहिए, अधिक से अधिक आप सभी कमेंट कीजिए। आप लोग अधिक से अधिक मांग कीजिएगा तब तो अच्छे पदों पर वैकेंसी आएगी। टीचर की बहाली देखिएगा तो ये हो रहा है कि लाख 2-2 लाख पदों पर की जाए।